नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार जिलाधिकारी विनी शंकर पांडे और रुड़की एसडीएम विजयनाथ शुक्ला के सख्त रवैये के साथ दखल के बाद हरकत में आया स्थानीय प्रशासन। बहादुराबाद की चौकी शांता शाह पुलिस ने देर रात बनेडी राजपुतान की रतलाम नदी में अवैध खनन में लिप्त दो ट्रक ट्रॉली पकड़े हैं। बहादुराबाद के बनेडी राजपुतान की रतलाम नदी में हो रहे अवैध खनन की खबर हमारे चैनल के माध्यम से मुख्य रूप से प्रसारित की गई थी। मामला मीडिया में आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के अवैध खनन के खिलाफ सख्त रवैये को देखते हुए बहादुराबाद की रतलाम नदी में लगभग एक दर्जन ट्रैक्टरों से किए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अब विभाग हरकत में आ गया है। शांता शाह चौकी प्रभारी हेमंत भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्यवाही करते हुए अवैध खनन सामग्री से लदे हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया है और खनन की रिपोर्ट समय अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।